वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, और मैं संतोष श्रीवास्तव सुपर 60 एजुकेशन हब की तरफ से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये उपस्थिति मेरी एमबी बुक के प्रैक्टिस सेट्स के साथ है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ये सेट्स आपके बहुत काम आएंगे। अगर आगे आपको सीजल के पेपर्स देने हैं और फिर स्टेचुअल के देने हैं, आपको एमटीएस वगैरह के पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, हर एक एग्जाम में जिसमें इंग्लिश है उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम 14 सेट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो बच्चे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हो उन्हें पता है 13 सेट्स मैंने ऑलरेडी वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, बेहतर करना चाह रहे हो, वो बच्चे शुरू से, यानी अगर आप चाह रहे हो बेहतर करना तो शुरू से आप इनको तैयार करते जाएं। और आज 13 सेट्स के बाद ये 14 यानी 14वां सेट है आपका, और देखते हैं एक एक क्वेश्चन सारे जो है वो हम किस तरीके से सॉल्व करने हैं। जो पहला प्रश्न हमारा है वो है कॉमन एरर का। अगर आप देख रहे हो, वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ्स, यानी एक व्यक्ति को हर 6 महीने पे अपने दांतों को चेक कराना चाहिए। आप देख रहे हो जैसे वन के बाद आपने शुड देखा तो आप समझ रहे हैं यहां वन जो है एक प्रोनाउन के तौर पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर वन यहां प्रोनाउन है, इट मीन्स इसका जो पॉजिटिव केस होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा, वो सब आपका वन से ही बिलोंग करेगा। लेकिन यहां देखिए पॉजिटिव लगा क्या है, वन शुड हैव देयर टेक, तो देयर तो टेक के लिए हम लगाते हैं ना, तो फिर यहां पे वन शुड हैव देयर नहीं होगा, वंस हो जाएगा पॉजिटिव केस। वन शुड हैव वंस टेक चेक्ड एवरी 6 मंथ्स, और ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आपको दिए जाते हैं, जरूर तैयार करिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड। डीड मीन्स कार्य होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑनेस्ट पर्सन, तो ऐसे आर्टिकल का क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि इफ यू आर यूजिंग वर्ड्स बिगिनिंग फ्रॉम वावल साउंड्स विल हैव टू यूज एन नॉट ए, यानी यहां पे जो ए ऑनेस्ट पर्सन है वो गलत है, एन ऑनेस्ट पर्सन। ये बहुत ईजी है लेकिन बहुत बार हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो यहां पे ए ऑनेस्ट पर्सन के स्थान पे एन ऑनेस्ट पर्सन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी। इट इज पेनफुल टू सम दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, यानी ये देखकर बहुत दुख होता है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं वो बिना कोई यूजफुल चीज किए हुए अपना समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इट इज पेनफुल टू सम, हियर टू इज नॉट प्रीपोजिशन, इट इज एन इन्फिनिटिव हियर, एंड इफ इट इज एन इन्फिनिटिव इट मीन्स इट विल सर्टेनली टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इट इज पेनफुल टू सा नहीं होगा, टू के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, यानी यहां टू सा के बजाय जगह पे टू सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी, यानी हम जो कि भारतीय हैं, हम इस चीज के प्रति आशान्वित हैं कि 21वीं शताब्दी में हमारा जो जीवन होगा वो आरामदायक होगा, सेटल्ड होगा, यानी हर तरीके से हम स्थापित हो चुके हैं। जैसे आपने लुक फॉरवर्ड टू देखा तो आपके मन में एक चीज आ गया होगा कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है, जीरंड आता है। विद अ व्यू टू के बाद हमेशा जीरंड आता है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आती है। बट यहां ऐसा है नहीं, यहां लुक फॉरवर्ड टू के बाद आपका एडजेक्टिव है, तो फिर आईएनजी का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन क्या चीज गलत हो रहा है यहां पे, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ, बोलते भी अजीब नहीं लग रहा है, सेटल लाइफ। वैसे भी एंड के बाद वही शब्द आएगा जो एंड के पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो एंड के पहले आपके पास एक एडजेक्टिव है लेकिन एंड के बाद क्या है, एक वर्ब है। सेटल होता है स्थापित होना, स्थापित करना,
लेकिन यहाँ सेटल नहीं है, एडजेक्टिव चाहिए तो आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना होगा, तो टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ हो जाएगा। आप ऐसे जैसे ना कि एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा अपने साथ समान प्रकार के शब्दों को, समान पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को जोड़ते हैं। तो अगर एंड के पहले एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होगा। तो वर्ब का जो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो इसे सेटल्ड बना दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। पहला क्वेश्चन है वी हैव गॉट अ न्यू बिग हाउस। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही दिए जाते हैं, बट दिए जाते हैं। आप पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव का एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर जो होता है वो मैंने सामने आपको डिटेल्ड आपको दिया हुआ है, और अगर आप एक क्लू तैयार कर लेंगे एक्रोनिम के रूप में नोजस कॉम तैयार कर लेंगे तो आप याद हो जाएगा। सबसे पहले अगर हमारे कई सारे एडजेक्टिव्स हैं तो नंबर लें, अगर नंबर नहीं है तो ओपिनियन लें, अगर ओपिनियन नहीं है तो साइज लें पहले, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। इस तरीके से हमको यूज करना होता है। आप इसे जरूर अच्छे से देखिएगा, काम आएगा आपके एडजेक्टिव के ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो फिर से हम वापस आते हैं, जो हमारा वाक्य था पहला वाला ये है वी हैव गॉट अ न्यू बिग हाउस। ये जो न्यू है ये क्या है? एज है। ये जो बिग है ये क्या है? साइज है। तो साइज पहले आएगा और एज बाद में जाएगा, इसलिए वाक्य हो जाएगा वी हैव गॉट अ बिग न्यू हाउस, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा बिग न्यू हाउस, यानी पहले साइज फिर उसका एज। ये इस तरह देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको, नोचस क्वाम याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो मंत्रिपरिषद को कहते हैं। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति एडमिनिस्टर्स द ओथ, एडमिनिस्टर्स द ओथ मीन्स यहां पे है शपथ दिलाना, मीन्स जब आप कोई जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको उनके पद की शपथ दिलाते हैं तो ये वर्ब एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ। तो ऑलरेडी सही है ना, एडमिनिस्टर्स द ओथ सिंगुलर है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑलरेडी सही है, तो आपको इसमें किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और याद कर लीजिएगा एडमिनिस्टर्स द ओथ मीन्स शपथ दिलाना, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है आई शेल राइट टू यू वेन आई रीच आगरा। सही है आपका, एक शब्द जो आपका है एक क्लास वो आपकी फ्यूचर में है और एक क्लास आपकी प्रेजेंट में है, यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैं आगरा पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगा। तो वेन से आपकी सबॉर्डिनेट क्लास है, तो अगर सबॉर्डिनेट को आपको प्रेजेंट में रखना होगा क्योंकि ये जो प्रिंसिपल क्लास है वो ऑलरेडी फ्यूचर में है, और दोनों को तो फ्यूचर में रख नहीं सकते आप, तो यह तो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट में है इसलिए यह फ्यूचर में हो जाएगा, मीन्स नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम, यानी बारिश का दिन होने के कारण, इस तरीके का वेट डे होने के कारण उसे घर पे रुकना पड़ा, मैं घर पे रुक गया। सबसे पहली चीज, अगर ये वाक्य आपको कॉमन एरर में दिया जाता तो आप ध्यान रखिए वाक्य गलत होता। क्यों? क्योंकि इस फेज का जो नाउन है वो डे है और इस क्लास का जो सब्जेक्ट है वो ही है, यानी ये स्ट्रक्चर गलत है। तो मैंने पढ़ाया होगा आपको कि डे का यहां पे आपको इट रखना होगा, प्रोनाउन इट बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम, ऐसा कॉमन एरर में आप करते हैं। यहां पे आपको इंप्रूवमेंट करना है और जो वाक्य है वो ऑलरेडी गलत है, जो ऑप्शंस हैं वो देखें। अगर आपको याद हो दो एक कंजंक्शन है और एक कंजंक्शन पूरी क्लास लेती है जो कि यहां पर नहीं है, सिंस एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन एक क्लास लेती है जो यहां पे नहीं है, और यहां पे देखे है पूरी क्लास बन जाएगी ना एज इट वाज। अब आपके पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो हो जाएगा एज इट वाज अ वेट डे, यानी ये वाक्य आपका बन जाएगा, क्लास बन जाएगी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। दो और सेंस इसमें नहीं होंगे
क्योंकि ये पूरी क्लास के रूप में सब्जेक्ट और वर्ब लेंगे, लेकिन यहां पे कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब ऐसे नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बेस्ट है एज इट वाज, नो इंप्रूवमेंट यहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस फिलर्स का क्वेश्चन है। द स्पीडिंग कार डैश अ मैन दिस मॉर्निंग। अब अगर हम हिट आउट लेते हैं तो हिट आउट में आलोचना करना नहीं होगा, क्योंकि उस स्पीडिंग कार तेजी से आती हुई कार ने उस आदमी को कहीं कहीं धक्का मार दिया, ठोकर मार दी, गिरा दिया उसे। तो ठोकर मारना, गिराने की मीनिंग क्या होगी? हिट आउट नहीं होगी, पुश आउट भी नहीं होगी, नॉक डाउन होता है ना। जब आप किसी को ठोकर मार के गिरा देते हैं तो आप उसे नॉक डाउन करते हैं। बॉक्सिंग वगैरह में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। यहां हो जाएगा द स्पीडिंग कार नॉक डाउन अ मैन इन दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टेररिस्ट मेड अ वेन अटेम्प्ट टू डैश द ब्रिज। कोई भी किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि ब्लो अप जो होता है वो चार प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, चार अर्थों में। पहला जो अर्थ होता है ब्लो अप का, अगर आप एक्सप्लोड कर दें किसी जगह पे और कोई चीज विस्फोट हो जाए वहां पे, तो फिर आप ब्लो अप करते हैं। ब्लो अप मींस टू एक्सप्लोड, उड़ा देना डायनामाइट वगैरह की सहायता से। दूसरा जो ब्लो अप होता है उसके मींस किसी र्यूमर को बहुत अधिक फैला देना। इफ यू आर स्प्रेडिंग अ र्यूमर यू आर ब्लोइंग अप। तीसरा जो ब्लो अप होता है बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, गुस्से से भर जाना। तो इफ यू आर गेटिंग एंग्री, अगर आप गुस्से से भर जा रहे हैं, इट मींस यू आर ब्लोइंग अप। और चौथा जो ब्लो अप होता है, एक तो हो गया किसी डायनामाइट से किसी चीज को उड़ा देना, दूसरा हो गया गुस्सा हो जाना, तीसरा हो गया आपका बहुत अधिक किसी बात को बढ़ा देना, इधर उधर कर देना। तो यहां पे कौन सा सेंस है आपका? क्या यहां पे चौथा मैंने बताया नहीं, वैसे ब्लो अप मींस किसी गुब्बारे में हवा भरना, ये भी ब्लो अप होता है। तो यहां कौन सा सेंस है आपका? अगर आप ब्रिज देख रहे होंगे तो टेररिस्ट ने ब्रिज को क्या करने की कोशिश की होगी? उड़ा देने की कोशिश की होगी विस्फोट करके। तो यहां पे क्या होगा? ब्लो अप हो जाए। द टेररिस्ट मेड अ वेन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ब्रिज। ब्लो डाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लो मींस होता है फूंकना, हवा का बहना। तो ब्लो डाउन, जब हवा के झोंके से कोई चीज गिर जाए तो वो ब्लो डाउन हो जाए। ब्लो आउट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लो आउट मींस होता है किसी कैंडल वगैरह को फूंक करके बुझा देना, उसे ब्लो आउट कर देना। ब्लो ओवर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई मुसीबत है, कोई घटना है, अगर वो ब्लो ओवर आपको बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाती है, आपके ऊपर बहुत प्रभाव नहीं डाल पाती, तो वो ब्लो ओवर कर जाती है। फिर से ब्लो अप मीन्स विस्फोट कर देना, ब्लो अप मीन्स गुब्बारे में हवा भर देना, ब्लो अप मीन्स बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, ब्लो अप मीन्स र्यूमर को फैलाना, ब्लो डाउन झोंके से गिरा देना किसी चीज को, ब्लो आउट फूंक करके बुझा देना किसी चीज को, एक्सटिंग्विश कर देना, और ब्लो ओवर एन इंसिडेंट और एनी बैड इवेंट इफ इट इज पासिंग विदाउट क्रिएटिंग एनी हार्म, इट इज ब्लोइंग ओवर। तो ब्लो ओवर मीन्स किसी घटना गुजर जाना बिना बहुत, जैसे तूफान आए और आपको नुकसान पहुंचाए बिना गुजर जाए, तो द स्टॉर्म ब्लो ओवर हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां ब्लो अप हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका पॉलिटिक्स इज द लास्ट डैश ऑफ स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स तो आप पढ़े होंगे, जो बदमाश इंसान होते हैं, मीन्स गलत लोग होते हैं, स्काउंड्रल कहते हैं। वैसे स्काउंड्रल की शुद्ध मीनिंग शैतान कहते हैं ना, बचपन में मम्मी हम लोग कहती थी कि शैतान कहीं का, तो यू स्काउंड्रल्स, बट अभी स्काउंड्रल्स मीन्स बदमाश लोग। तो पॉलिटिक्स इज द लास्ट डैश ऑफ स्काउंड्रल्स। क्या पॉलिटिक्स स्काउंड्रल्स का लास्ट रिजल्ट होगा? नहीं ना। क्या पॉलिटिक्स स्काउंड्रल का लास्ट रिपोर्ट होगा? नहीं। क्या पॉलिटिक्स स्काउंड्रल्स का लास्ट रिटॉर्ट होगा? रिटॉर्ट मीन्स प्रत्युत्तर देना। नहीं, पॉलिटिक्स स्काउंड्रल्स का लास्ट क्या है? रिजॉर्ट है, उनका सहारा है, आश्रय है। यानी एक जो बदमाश व्यक्ति होता है उसका अंतिम जो आश्रय होता है वो क्या होता है? वो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है। और आप तो अच्छे से समझते होंगे ये चीज। तो पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंडल्स। फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है आपका टेक केयर। ये तो बचपन से आप कहते आए होंगे
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा और आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना भी चाहिए और कहना चाहिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फादर, यानी पिताजी आप अपना ध्यान रखिएगा। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी आप अपने स्वास्थ्य का क्या रखें, ध्यान रखें, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, समझते हैं म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है वो क्यूरेटर होता है, उसका संरक्षक जो उसकी देखभाल करता है। आर्किटेक्ट समझते होंगे, वन हो डिजाइंस बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स वगैरह के डिजाइन बनाता है वो आर्किटेक्ट कहलाता है। फिलैटलिस्ट समझते होंगे, वन हो कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स वगैरह कलेक्शन करता है वो फिलैटलिस्ट कहलाता है। और मेयर समझते होंगे, जो नगर महापालिकाएं होती हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोविंग ऑफ अ फिल्म। अभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आपने देखी होंगी, जैसे अवेंजर्स आपने देखा तो बोला जाता है कि इसका प्रीमियर इस तारीख को हो रहा है। तो जब कोई मूवी वगैरह फिल्म वगैरह है तो उसका जो फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियर कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रीमियर। याद रखिएगा ये जो वर्ड है प्रीमियर, इसका स्पेलिंग एरर में भी आपके प्रश्न दिया जाता है, तैयार कीजिएगा। PREMIERE, प्रीमियर मीन्स प्रथम जो होता है, शो होता है किसी मूवी वगैरह का, उसे प्रीमियर कहते हैं। डेब्यू क्यों नहीं हो सकता है, आप किसी खेल में किसी मूवी वगैरह में आप पहली बार भूमिका निभाने जा रहे हैं तो वो आपका डेब्यू है। पी यहां साइलेंट है। ओपनर समझते होंगे, ओपन करने वाला। और प्रीव्यू क्यों नहीं हो सकता है, जैसे मान ली कोई चीज आप प्रकाशित करना चाह रहे हैं, पब्लिकेशन में देना चाह रहे हैं, लेकिन उस पब्लिकेशन में उसे प्रकाशित होने से पहले आप उसे फिर से अवलोकन कर रहे हैं तो आप उसका प्रीव्यू, यानी फिर से उसे पहले ही देख ले रहे हैं, ये प्रीव्यू होता है। तो यहां पे आपका प्रीमियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, इस दुनिया में शायद ऐसा कोई ना हो जब भी कभी भी कोई गलती ना करे, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कोई गलती नहीं कर सकता है तो आप जानते होंगे इनफॉलिबल होता है, यानी डी हो जाएगा। इनफॉलिबल मीन्स इनफॉलिबल, फॉल मीन्स होता है गिरना, इवन फॉलिबल गिरने योग्य, गलती करने योग्य, तो इनफॉलिबल जो न गिरे, कोई गलती ना करे, वो इनफॉलिबल होगा। इनऑडिबल समझते होंगे, ऑडिबल मीन सुनने योग्य, तो इनऑडिबल न सुनने योग्य, दैट यू कैन नॉट हियर। इलेजिबल, लेजिबल that can be read, जिसे पढ़ा जा सकता हो, तो illegible that cannot be read, जिसे पढ़ा न जा सकता हो। Invisible, visible, visible क्या होता है, that you can see, जिसे आप देख सकते हो, तो invisible that you cannot see, जिसे आप नहीं देख सकते हो। तो one who cannot make any mistake is so infallible, जो कभी कोई गलती नहीं करता हो वो infallible होता है। Next question है आपका, an act of misappropriation of money, जब आप पैसों का गड़बड़ झाला करते हैं, उनका घोटाला करते हैं, उनका गबन करते हैं, तो आप इम्बेसलमेंट करते हैं। बैंक वगैरह में जो गबन होते हैं उन्हें हम इम्बेसलमेंट कहते हैं। वर्ब के रूप में इम्बेसल करना होता है और नाउन के रूप में इम्बेसलमेंट हो जाता है। तो एन एक्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जब आपने पैसों का घोटाला किया हो तो आप इम्बेसलमेंट कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं। करप्शन क्या होता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, हर विभाग में करप्शन हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट इसका केवल पैसों से रिलेशन नहीं, एक आदमी हार से भी करप्ट हो सकता है, यहां करप्शन नहीं होगा। मिस कॉन्डक्ट क्या होता है, कॉन्डक्ट मीन्स आचरण, तो मिस कॉन्डक्ट मीन्स दुराचरण, गलत आचरण। डिबेसमेंट क्या होता है, डिबेस मीन्स गिरावट, तो डिबेसमेंट जो आदमी गिरावट का शिकार हो और डिबेसमेंट का शिकार होता है। तो यहां पे an act of misappropriation of money is for embezzlement. Let's see next question. Okay, entrance. Elementary. Elementary means that which is very easy, very general, common. जो चीजें common हो, बिल्कुल सरल हो, आसान हो, प्राथमिक लेवल पे होती हैं, वो elementary होती हैं। तो complex हो जाएगा। Complex क्या होता है? जो आसान ना हो, सरल ना हो, इजी ना हो, सामान्य ना हो, कॉमन ना हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, मीन्स जटिल हो, अलग हो, कठिन हो, वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। हार्ड क्यों नहीं होगा, हार्ड कोई चीज जो ठोस होती, कठोर, उस सेंस में होता है। इन्वॉल्व क्यों नहीं है, कोई मतलब नहीं, इन्वॉल्व तो किसी चीज में आप शामिल होते हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हैं।
कंपाउंड क्यों नहीं होगा? कंपाउंड दो समान चीजों का जुड़ना होता है तो कठिन नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जटिल नहीं होता है, तो कंपाउंड नहीं होगा। तो एलिमेंट्री का जो एंटोनिम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम्स का, ये एक्यूमुलेट। आपको बताया होगा कोई चीज गिरी हुई है और आप उसे उठा रहे हैं तो आप उसे गैदर कर रहे हैं, एक एक करके कहीं पे आप रख रहे हैं तो आप उसे कलेक्ट कर रहे हैं, आप भोजन को सही तरीके सजा रहे हैं तो आप उसे गार्निश कर रहे हैं, नहीं अगर आप छोटे छोटे अंशों में थोड़ा थोड़ा आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, तो आप उन्हें एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक्यूमुलेट मीन्स जमा करना, किसी चीज का संग्रह करना। तो डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्स मीन्स बिखेर देना, फैला देना, हटा देना, ये होगा डिस्पर्स। बिलो तो नीचे के लिए आप यूज करते हैं, अवेयर सजग के लिए यूज करते हैं, डिसमिस किसी को आप बर्खास्त कर देते हैं, हटा देते हैं, कोई मीटिंग वर्क खत्म कर देते हैं तो डिसमिस कर देते हैं। तो एक्यूमुलेट का एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, तो डिस्पर्स बिखरा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है रसेस, मीन्स होता है प्रतिरोध कर, डटकर किसी का जब आप सामना करते हैं, इफ यू आर डिजायरिंग टू फेस समवन बोल्डली, यदि आप किसी का बहादुरी पूर्वक सामना करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू सरेंडर बिफोर हिम, अगर उसके सामने आप समर्पण नहीं करते हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग टू रेसिस्ट, आप रेसिस्ट करने जा रहे हैं। तो यहां भी यील्ड हो जाए, यील्ड समझते हैं समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, सकम कर देना मीन्स हार मान लेना, गिविंग कर देना, गिवअप कर देना। तो रेसिस्ट का एंटोनिम हो जाएगा यील्ड। जब आपके अंदर इतना साहस न हो कि परिस्थितियों का आप सामना कर पाए तो आप यील्ड कर रहे हैं, और अगर आप उनका सामना कर रहे हैं तो आप रेसिस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट क्यों नहीं होगा? एडजस्ट मीन्स होता है समायोजन करना, संतुलन बनाना। रिमेन क्यों नहीं होगा? जो किसी अवस्था में बना रहे वो रिमेन होता है। डिक्लाइन क्यों नहीं होगा? डिक्लाइन दो होता है, डिक्लाइन मीन्स गिरावट के सेंस में भी यूज करते हैं, और डिक्लाइन मीन्स अनिच्छा प्रकट करना भी होता है। जैसे आपको कोई चाय का ऑफर करे और कहे चाय लीजिए आप, तो आपने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, तो यू आर डिक्लाइनिंग। आप क्या कर रहे हैं? अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं, यू आर शोइंग योर अनविलिंगनेस, आप अपनी अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो रेसिस्ट का एंटोनिम हो जाएगा यील्ड। एंटोनिम का लास्ट क्वेश्चन आपका है कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स होता है सहमति प्रदान कर देना, मीन्स सहमति। तो यहां भी हो जाएगा डिसएग्री, यानी कॉन्कर मीन्स सहमति प्रदान करना, तो डिसएग्री असहमति प्रदान करना। प्रेज का कोई मतलब नहीं, प्रेज हुआ, अप्लाड हुआ, कमेंट हुआ, एक्स्ट्रालेवन के मीन्स प्रशंसा होते हैं। एग्री तो इसका होगा नहीं, तो सिनोनिम हो जाएगा, और वीक से कोई मतलब नहीं, वीक मीन्स कमजोर। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, हर एग्जाम में जरूरी, और आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जरूर ही आपके काम आए। द ट्रुएंट स्कूल बॉय, ट्रुएंट समझते हैं, जो लड़का स्कूल वगैरह छोड़ के भागता है, घंटे अटेंड नहीं करता है, वो ट्रुएंट होता है। जो परिस्थितियों से डरकर भागता है वो एस्केप करता है, जो सेना या कानून से भागता है वह फ्यूजिटिव होता है, जो आदमी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वो एब्सकॉन्ड करता है, जो आदमी किसी के साथ स्पेसिफिक से लड़की के साथ अगर कोई मेल भाग रहा है तो फिर वो इलोप करता है। सब के मीन्स भागना, बट अलग अलग यूसेज हैं। तो द ट्रुएंट स्कूल बॉय टोल्ड Cock and bull stories to escape punishment. देखिए ये escape punishment से बचने के लिए उस लड़के ने cock and bull stories सुनाई। बचपन में आपको जब आप रोते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, तो आपकी मम्मी या आपके पापा आपको कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे, हाँ ये था वो था, ताकि आप बहल जाए। वास्तव में कहानी कोई मकसद बहुत नहीं हुआ करता था। तो cock and bull stories means निरर्थक कहानी, कुछ ऐसी कहानी जिनका कोई मकसद ना हो तो देख लें, इंटरेस्टिंग तो होगी नहीं वो। हाँ, एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल, ऐसी कहानियां जो निरर्थक हो और अनबिलीवेबल, पर विश्वास न किया जा सकता हो, वो कॉक एंड बुल स्टोरीज हो, याद रखिएगा, काम आएगा ये वर्ड आपके। नेक्स्ट इडियम है दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, बहुत बार ये कंपटीशन में आपको दिए गए। होल्ड वाटर मीन्स होता है रिलायबल होना, विश्वसनीय होना, जिस पर आप जो मानते हैं कि तार्किक है, सही है, जो चीज वो होल्ड वाटर करती नहीं, कहते हैं ये पक्के पानी का, यानी ये सही है। तो दिस आर्ग्यूमेंट, ये जो आपका तर्क है, डजंट होल्ड वाटर, ये तर्क क्या नहीं, लॉजिकल नहीं, सही नहीं है। तो देख लें, सीम रिजेक्टेबल, रिजेक्टेबल दूसरी जिसको आप नकार दें वो रिजेक्टेबल होता है,
सेम अप्रूवेबल जिससे आप सहमत हो सकते हैं वो अप्रूवेबल होता है, सेम लॉजिकल है यहाँ पे, यानी होल्ड वाटर मीन्स लॉजिकल होना, रिलायबल होना, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, होल्ड वाटर का लॉजिकल होना। नेक्स्ट वर्ड है टू बी डाउन टू अर्थ, ये इडियम है, अगर आप इसे वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं वो जमीनी हकीकत समझता है, यानी वो जमीन से बिलोंग करता है, जैसे एच डी देवेगौड़ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो अगर आप जानते हो तो उनका पूरा नाम वैसे है हरदनहल्ली डुड्डेगौड़ा देवेगौड़ा, और मैं बहुत सारे बैचेस उनके एग्जाम्पल्स देता हूं बड़े नाम के सेंस में, जिनकी वजह से प्रोनाउन का निर्माण किया गया। तो कहा जाता है कि वो ऐसे प्रधानमंत्री जो किसान परिवार से आते थे बिल्कुल, और वो जमीनी चीजों को समझते थे। तो अगर आप देखिए टू बी डाउन टू अर्थ, जो बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ हो, टू बी रियलिस्टिक यही होगा, जो यथार्थवादी हो, चीजों को वास्तविक रूप में समझता हो, वो टू बी रियलिस्टिक हो जाएगा, यहां कोई मतलब नहीं इनका है। तो टू बी रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, जो चीजों को वास्तविक अर्थों में समझता हो। लास्ट प्रश्न है आपका इडियम का, रोहिणी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम अगर शुरू हो रहा है 10 बजे से, एंड यू आर रीचिंग एट द एक्सैक्ट टाइम 10 o'clock, इट मीन्स यू हैव रीच्ड देयर इन द निक ऑफ टाइम। तो इन द निक ऑफ टाइम एक्सैक्ट टाइम पे देखें, जस्ट बिफोर टाइम नहीं, वेरी लेट बिल्कुल भी नहीं, जस्ट आफ्टर टाइम बिल्कुल भी नहीं, जस्ट इन टाइम यानी उसी समय पर जिसमें पहुंचना था, वो इन द निक ऑफ टाइम हो जाए। ये स्पेलिंग एरर्स है और एसी है, डिसाइसिव समझते हैं, DECISIVE होता है, तो देख लें ये नहीं होगा, ये हो जाए बी आपका DECISIVE, डिसाइसिव मींस निर्णायक, जैसे अब आपको एक डिसाइसिव बैटल लड़ना है, निर्णायक जंग लड़नी है, सफल होना है आपको, माता पिता का नाम रोशन करना है, हर हाल में उनकी जो जिम्मेदारियां उन्हें बांटना है, अपने कंधों पर लेना है, तो एक डिसाइसिव समय आ गया है या निर्णायक समय आ गया है आपको सोचने का, दैट यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बाय विच यू कैन जस्ट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर पेरेंट्स, ताकि माता पिता जीवन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये वर्ड स्पेलिंग एरर ये भी कर लेंगे, मिलेनियम आपको याद होगा, MILLENIUM देख लें, सिंगल एल डबल एन है नहीं होगा, डबल एन है लेकिन सिंगल एन है नहीं होगा, डबल एल और डबल एन है हो जाएगा मिलेनियम, मिलेनियम समझते हैं, यहां पर देखिए सिंगल एन नहीं होगा, तो मिलेनियम, मिलेनियम में सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी मिलेनियम, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वीक कर लेंगे आप ये अल्कलाई, समझते होंगे क्षार को कहते हैं, तो अल्कलाई ALKALI अल्कलाई मीन्स क्षार होता है आपका, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अमेट्रिक आपको बिल्कुल आसान होगा, वन हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ समथिंग, जिसके पास किसी चीज का उपयुक्त ज्ञान नहीं होता है, उचित ज्ञान नहीं होता है, वो प्रोफेशनल नहीं होता है, शौक के तहत कोई कार्य करता है, वो अमेट्रिक होता है, तो AMATEUR होता है, देख लें नहीं होगा हो जाएगा ना, AMATEUR अमेट्रिक मीन्स शौकीन अनाड़ी, जिसके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है, वो केवल शौक के तहत वो कार्य कर रहा है, वो अमेट्रिक कहलाता है। ये सिनोनिम्स हैं, अक्वायर समझते होंगे, प्राप्त करना होता है, तो रिनाउंस त्याग देना होता है नहीं होगा, लूज खो देना होता है नहीं होगा, प्रोक्योर हो जाएगा, प्रोक्योर मीन्स प्राप्त करना होता है, तो अक्वायर का सिनोनिम प्रोक्योर हो जाएगा, रिलिंक्विश मीन्स भी होता है छोड़ देना, त्याग देना, इच्छा का त्याग करना, तो ये भी नहीं होगा, तो अक्वायर का सिनोनिम प्रोक्योर हो जाएगा। फिल्दी समझते हैं गंदा होता है, तो जैसे आपने डर्टी देखा तुरंत समझ जाए फिल्दी का सोने डर्टी हो जाएगा गंदा, स्पॉटलेस बेदाग होता है, इमेक्यूलेट वो कैरेक्टर जिस पर कोई दाग न लगा हो, निष्कलंक इमेक्यूलेट होता है, क्लीन भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, तो फिल्दी का सोने डर्टी हो जाए नॉर्मल। अब ऐसे वर्ड्स देखिए आपको दिए गए हैं, और अगर इस तरह आपको शुक्रिया मिल जाए तो आप हर हाल में सक्सेस पा जाएंगे। तो मिस्टेक में गलती होती, पहला ही वर्ड है एरर आपका, बाकी देखने जरूरत नहीं, बाकी जानते हैं, एक्यूरेट आपको रहना चाहिए, प्रिसाइज भी आपको रहना चाहिए, और मिस्टेक मींस किसी चीज को गलत वे में लेना, मिस्टेक सेकंड फॉर्म है मिस्टेक की। अन्याय जब आप किसी को तंग कर दें, बिल्कुल त्रस्त कर दें,
तो रिवोक नहीं होगा, रिवोक समझते हैं किसी कानून वगैरह को समाप्त कर देना होता है। रिफ्यूज जब आप किसी प्रपोजल को मना कर देते हैं, अफेंड हो जाएगा। अन्याय मीन्स किसी को परेशान करना, तंग करना, तो अफेंड मीन्स भी किसी को परेशान करना, तंग करना, क्रोधित कर देना। लेसी कभी होइएगा नहीं, क्योंकि लेसीनेस एक ऐसी चीज है जो इंसान को उसके पथ से भटका देती है। ये सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। All religions show us the path. Know that and wise men, God is one which leads of God, but the paths are different. वैसे यहां leads path नहीं हुआ, leads to होना चाहिए था। All religions show us the path. क्या all religions show us the path के बाद know that कभी भी हो सकता है? कभी नहीं। All religions show us the path and wise men, कोई combination नहीं है इसका। All religions show us the path. God is one. कभी होगा ही नहीं। All religions show us the path. Which? ये which किसके लिए? Path के लिए। नहीं, जब भी आएगा, S पहले आएगा। अब हमारे पास चार options हैं। तो सबसे पहले हम 50-50 कर लेते हैं, यानी B और C को हटा देते हैं। अब हमारे पास S के बाद Q है और S के बाद R है। पहले S के बाद Q करके देखते हैं। All religions show us the path. Which leads to God and wise men. अब and wise men है तो इसके आगे हर हाल में P आएगा, तो SQP हो गया। And wise men know that God is one. और बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ईश्वर एक ही है, but लेकिन उसके जो रास्ते हैं क्या है वो अलग अलग है। यानी ये आपका suitable है, तो यहां देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे देख ले आओ, All religion shows the path. Which leads to God. God is one. कैसे होगा? Which leads to God. God is one. कभी नहीं, यानी D नहीं होगा, A हो जाएगा। Next आपका है The Narmada Dam Project. Many of whom तो कभी नहीं आएगा। The Narmada Dam Project. The most deprived sections. कभी नहीं आएगा, कोई वो project sections तो है नहीं। The Narmada Dam Project will हो जाएगा। ये subject का काम कर रहा है, तो आपको predicate चाहिए, R पहले आएगा। चार options हैं, ठीक है? अगर आप clear हैं कि the Narmada Dam Project will displace some people, तो निश्चित ही आप नीचे जाएं, ये देखने के लिए कितने options हैं जो R से शुरू हो रहे हैं? कितने हैं? केवल एक। तो कहीं आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। C option से मिलाएंगे, तो सही है आपके C option हो जाएगा। While I was walking with my brother, I met a monk in the field who was from Nepal. पहले तो आप ये समझना होगा, who was from Nepal जो है, ये इसके बाद नहीं आ सकता। Who जब भी आएगा यहाँ, my brother के लिए आ सकता है या monk के लिए आ सकता है। ये तो मैं ही अपने भाई से कह रहा था, वो भाई नेपाल में था, ये तो फील्ड में था। इसका मतलब है ये जो लास्ट है, I met a monk, ये निश्चित ही आज जो है वो लास्ट में आएगा। दिक्कत है आपको कि दो में लास्ट है। अब हम देखते हैं, while I was walking with my brother in the field, ये बना, while I was walking with my brother in the field, I met a monk who was from Nepal, ये हो जाएगा, जो नेपाल से था। तो I was walking with my brother, आपको जो choice होनी चाहिए, while I was walking, और walk चूंकि verb है, तो आपको in the field लेना चाहिए। तो while I was walking in the field with my brother, कॉमा दे दे, I met a monk, यानी आप लेना चाहिए P, while I was walking in the field, PS लेना चाहिए आपको, यानी B ऑप्शन होना चाहिए आपका। वैसे होने के लिए ये ऑप्शन भी सही, लेकिन ये बेहतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टेलीविजन हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मीडियम, one of the marvels of modern science of mass communication today. Television, जैसे आप इसे देखेंगे तो आपके मन में आ जाएगा television has become, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक subject के आगे उसका adjectival phrase भी दिया जा सकता है, उसका case in opposition भी हो सकता है। तो इस television के बारे में आगे और दिया गया है, television क्या है? Television एक one of the marvels, और किसका marvels है? Of modern science, यानी one of the marvels of modern science, R और S जब भी आएगा हर हाल में एक साथ आएगा, और television के बारे में है, तो television
वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ मॉडर्न साइंस, और अब आपका प्रेडिकेट शुरू होगा, टेलीविजन वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ मॉडर्न साइंस हैज बिकम, क्या बन गया है, द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ, ये जब भी आएगा क्यू लास्ट में आएगा, तो यानी आपका हो गया टेलीविजन वन, यानी आर एस है किसी में, आर एस, आर एस यहां भी है, एक के बाद क्यू, एक के बाद पी है, तो टेलीविजन वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ मॉडर्न साइंस हैज बिकम, यानी आर एस पी, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका वॉइस का क्वेश्चन है, वॉइस के क्वेश्चन करते समय दिमाग में एक चीज बना लें, आपका बहुत अधिक समय बच जाएगा यदि आप मेरी चार लाइनें याद करें, कोई भी इंडेफिनिट है एक्टिव वॉइस का तो पैसिव में हर हाल में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई भी कंटिन्यूअस है तो पैसिव में हर हाल में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग होगा, कोई भी परफेक्ट है तो हर हाल में परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और अगर कोई मॉडल है तो मॉडल प्लस बी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव ट्रेडिशनल ग्रामर में नहीं बनाते, बट जो मॉडर्न ग्रामर है फॉरेन राइटर्स जो है वो कहते हैं कि आप बीइंग लगाकर बना सकते हैं लेकिन आप न बनाइएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, द एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स वॉज ड्राफ्टेड बाय, यानी पैसिव वॉच, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब ली गई है वॉच, वॉच यानी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग ली गई, यानी हमारी जो वॉइस है एक्टिव वो हर हाल में इंडेफिनिट में रही होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें जो इंडेफिनिट में है, एन एडवाइजरी तो बनेगा ही, सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव का, एन एडवाइजरी बोर्ड ड्राफ्टेड है ना, वर्क की सेकेंड फॉर्म, यानी ये आपका एक्टिव जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। दूसरे देखते हैं, एन एडवाइजरी बोर्ड हैड कभी नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, एन एडवाइजरी बोर्ड इज कभी नहीं होगा क्योंकि इज कंटिन्यूअस में है, और द एग्रीमेंट से तो आपका शुरू नहीं होगा क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट था उसका, तो हर हाल में सब्जेक्ट बनेगा ये, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वॉइस आपका पुट अप द टेंट, यानी एक्टिव वॉइस में है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और जिस इंपरेटिव सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो आपकी प्रेफरेंस लेट से बनती है, यानी लेट और फिर ऑब्जेक्ट, याद होगा आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट द टेंट बी पुट अप, द टेंट होगा नहीं, इस बीइंग तो वैसे भी नहीं होगा, लेट द टेंट सही है लेकिन जल्दीबाजी ना करें क्योंकि आगे बी नहीं है, बी इन है तो नहीं होगा, द टेंट हैज बीन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट देखें लेट द टेंट बी पुट अप सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है आपका, रवि आश्रमी हैव यू सीन द ताजमहल, जैसे आपने देखा ना हैव यू सीन द ताजमहल, तो आपके दिमाग में आ गया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच आपका है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम किसमें जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में क्योंकि ये पास्ट में है, तो अगर पास्ट परफेक्ट में है तो हर हाल में हैड का प्रयोग होगा। ओके चलिए देखते हैं, रवि आश्रमी इफ आई हैव, खत्म मैटर खत्म, इनका रवि आश्रमी इफ आई सा नहीं, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है और हमको पास्ट परफेक्ट चाहिए, रवि आश्रमी डिड आई सी कतई नहीं होगा, और रवि आश्रमी इफ आई हैड सीन द ताजमहल, यानी यहां भी डी ऑप्शन हो जाए। इसके अलावा क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हैं लेकिन अभी मैं उसे ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि इतना समय भी, और ये अभी पहला दिन मेरा है इधर, तो मैं चाहूंगा इतनी चीजें आप तैयार करें, क्लोज टेस्ट में अलग से भी आपको दे दूंगा, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार, सारी चीजें आपके एग्जाम्स में आएंगे और मैं सारी प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे डालता जाऊंगा, आप धीरे धीरे 13 सेट्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए, शुरू से एक एक करके आप प्रिपेयर करिए, हर हाल में आपकी चीजें आपके एग्जाम्स में आगे काम आ जाए। अभी आज का लेकर के 14 सेट हो गया आउट ऑफ क्लोज टेस्ट, तो ये जो 14 सेटें करें आप इन्हें पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, आगे सीजल है सीएचएसएल है जो भी एग्जाम्स हैं इस सारी में आपके यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।